त्योहारों के शुरू होते ही सभी के घरों में कुछ ना कुछ बनना शुरू हो जाता है। तो आज हम दिवाली स्पेशल में बना रहे हैं क्रिस्पी लच्छेदार वर्की पूरी। ये नमक पारे से थोड़ा हटके होता है और बनाना इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसे आप एक बार बना लेंगे, आप इसे लंबे समय तक इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वर्की पूरी बनाने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं मैदा। तो यहाँ पर हम 2 कप मैदा का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं, गेहूं का जो आटा रहता है, या तो आप 1 कप गेहूं का आटा या 1 कप मैदे से भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे मैदे से बना रहे हैं, मैदे का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच, इस तरीके से क्रश करके आप 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिएगा। अजवाइन इस तरीके से क्रश डालने से सारा फ्लेवर इस वर्की पूरी में आ जाएगा। इसके बाद 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद की जगह आप काली तिल भी यूज़ कर सकते हैं, तिल से फ्लेवर एंड लुक अच्छा आता है, इसीलिए हम 1 चम्मच यहाँ पे तिल डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी से आपकी जो वर्की पूरी है उससे आपका लुक अच्छा आएगा। तो 1 चम्मच हम डाल देंगे कलौंजी। यदि आप कलौंजी नहीं पसंद करते, यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे ना डालें तो भी चलेगा। अब इसमें हम स्वाद के लिए डाल देंगे नमक, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाला है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, मतलब हर कोने कोने में इसका फ्लेवर चले जाए, इस तरीके से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। सूखा आटा ही अभी हम मिक्स करेंगे, इस तरीके से देखिए। अब हम इसमें डालेंगे मोइन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपकी वर्की पूरी को क्रिस्पी बनाएगा। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 चम्मच घी। तो घी की जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी। तो 2 चम्मच हम यहाँ पे घी डाल देंगे। हमें बहुत ज़्यादा भी मोइन नहीं डालना है, जो इसमें बराबर एकदम इसका क्रिस्पीपन आ जाए, इस तरीके से हमें डालना है। तो 2 चम्मच हम डाल देंगे एंड इसे हम इस तरीके से सूखा ही मिक्स करेंगे, हर तरफ घी मिक्स हो जाए। इस तरीके से आपको पहले सूखा आटा मिक्स करना है और देखिए बिना मेहनत के आपको इस तरीके से मुट्ठी बन जानी चाहिए। तो इस तरीके से यदि आपका मोइन है तो मतलब आपका एकदम आटा अच्छे तरीके से एकदम मोइन हो चुका है। तो ये देखिए इस तरीके से आपका हाथ में ही इसकी मुट्ठी बन जानी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे, इसको पानी के साथ गूँथेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, हमने यहाँ नॉर्मल पानी लिया है। आपको ना तो गर्म लेना है ना ही आपको ठंडा लेना है, हमने रूम टेम्परेचर वाला जो पानी है हमने वही यूज़ किया है। तो 1 कप पानी को आपको पूरा एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके हम इसे डालेंगे, क्योंकि हमें इसका ना तो एकदम बहुत ज़्यादा सख्त आटा गूँथना है ना ही हमें ज़्यादा गीला गूँथना है। तो आप धीरे धीरे करके गूँथेंगे तो आटा भी अच्छे तरीके से आपका तैयार होगा, क्योंकि मेन है वर्की पूरी बनाने के लिए कि आपका आटा अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम धीरे धीरे डालेंगे और अपने आप आटा जो है आपका मिक्स होता चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें गूंदना है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं ना, आटा धीरे धीरे करके हमारा एकदम मिक्स होना शुरू हो चुका है। ये लीजिए, तो हमारा आटा एकदम मिक्स हो चुका है, आटा हमने इस तरीके से गूंद लिया है। लेकिन ये गूंदने के बाद आपको अच्छे तरीके से इसे मसलना है, मतलब 1 मिनट आपको कम से कम इसे बढ़िया तरीके से गूंदना है। सबसे मेन बात होती है कि आटा हमारा अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। यदि आप इस तरीके से आटे को लास्ट में अच्छे तरीके से गूंदेंगे, 1 मिनट तक आप बढ़िया सा इसको गूंदेंगे, इसके बाद हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आटा आपका अच्छे से तैयार हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमें वर्की पूरी को क्रिस्पी बनाना है। क्रिस्पी बनाने के लिए सबसे स्पेशल ट्रिक है कि हम लेंगे यहाँ पे 1 चम्मच चावल का आटा। आप चावल के आटे की जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, आरारोट का पाउडर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच चावल का आटा। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। तो घी नॉर्मल टेम्परेचर वाला हम लेंगे, तो इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी। अब ये दोनों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करते करते इस तरीके से मिक्स करनी है कि एक टाइम में आएगा कि ये थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से फेंटना है ये दोनों चीज़ों को। तो ये देखिए थोड़ा सा
लिक्विड ही जैसा क्रीमी फॉर्म में आ चुका है, तो बस इसे हम साइड में रखेंगे जब तक कि हमारा आटा तैयार हो जाएगा। तो ये लीजिए 20 मिनट हो चुके थे देखिए आटे को। तो आटा का एक स्पेशल है कि जब आप 20 मिनट या 15 मिनट के लिए छोड़ें, उसके बाद हमें इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा, आधा चम्मच घी लगाना है। ये घी लगाने का ही स्पेशल ट्रिक है जिससे आपकी जो वर्की पूरी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारी बनेगी, है ना। तो उसके साथ आपको फिर 1 मिनट आपको आटा को अच्छे तरीके से गूंदना है। तो ये देखिए घी के साथ में हमने बढ़िया सा आटा को एकदम मसल लिया है। अब हम इसकी लोइयां काट लेंगे। तो लोइयां आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, हमें वर्की पूरी पतली ही बनानी है, हमें मोटी नहीं बनानी है, तो उस हिसाब से आप इसको लोइयां को काटिएगा। तो हमने यहाँ देखिए कम से कम 5 से 6 लोइयां इस तरीके से काट लिया है। इसको गोल कर लेंगे, इसका ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर शेप बने एकदम गोल गोल, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त आटा होता है तो प्रॉपर नहीं बन पाता कभी कभी। तो इस तरीके से हमने इसको काट लिया है, अब इसको हम बेलना शुरू करेंगे। तो चलिए चकला में हम इसे बेलना शुरू करते हैं। तो रोटी की तरह ही हम इसको बेलेंगे। आप चाहें तो बेलते समय इसमें बर्तन लगा सकते हैं, चाहे तो मैदा लगा लीजिए, चाहे तो आटा लगा लीजिए, या तो घी के साथ भी आप इसे बेल सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कोई भी बर्तन यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारा आटा बहुत अच्छे तरीके से मसला हुआ है। तो ये देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब है कि एकदम हमारी जो घर की पूरी है वो करारी बनने वाली है। तो ये देखिए इस तरीके से, और इसका शेप भी बढ़िया प्रॉपर एकदम गोल बन रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपको शेप एकदम प्रॉपर बने, जैसा भी आप बेलना चाहें, बस ये है कि आपको पतला रखना है। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से हमारी एकदम वर की पूरी बिला रही है। तो बस इसी तरीके से आपको भी बेलना है, कितने अच्छे तरीके से एकदम हमारा पूरी एकदम बिला रहा है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है चकले में। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना पतला आपको रखना है। तो आपको इतना पतला आपको बेलना है, आपको मोटा नहीं रखना है इसके लिए। तो ये देखिए एकदम ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक बार और हम इसमें बेलन मार देंगे। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे जो हमने चावल का आटा और घी का ये मिक्सर तैयार करके रखा है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा लेंगे हम हाथों की सहायता से ही इसे ऐसे फैला देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है आपको, हल्का हल्का इस तरीके से आपको फैला देना है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा कॉर्नर छोड़ दीजिएगा, ताकि वो बाद में जब हम इसको लपेटेंगे तो वो चिपकने में आपको सहायता करेगा। तो कॉर्नर को छोड़ के आपको इस तरीके से बढ़िया सा इसको पतला पतला फैला देना है। तो ये देखिए हमने इसको लगा दिया है। चलिए तो अब इसे हमें फोल्ड करना है। तो दोनों हाथों की सहायता से आपको कॉर्नर पकड़ के ये देखिए इस तरीके से रोल बना लेना है। ये देखिए प्रॉपर एकदम रोल बन जाए आपका। तो इस तरीके से देखिए हम इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा कॉर्नर हमने छोड़ा है, तो वो आपका चिपकने में सहायता करेगा। तो बस इस तरीके से जब हो जाए तो ये दोनों हाथों की सहायता से इस तरीके से आप इसको रोल कर लीजिएगा। ये देखिए पतला पतला। तो अब हम एक चाकू की सहायता से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कितना मोटा हम काट रहे हैं, इस तरीके से आप देख लीजिए। बहुत ज़्यादा पतला भी आपको रोल में कटिंग नहीं करनी है। ये देखिए मीडियम साइज़ की आपको कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको सारा जितना भी रोल आपने बनाया है इस तरीके से आप कटिंग करते जाइएगा। और जो भी आपके पास जो लोइयां बची है, लोइयों को आपको इस तरीके से बेलना है। सेम उस तरीके से आपको उसके ऊपर मैदा और ऑयल का, घी का मिक्सचर लगाते जाना है, रोल करते जाना है और कटिंग करते जाना है। तो आप एक साथ ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा, बाद में आप इसे बेलते जाएंगे। तो ये देखिए लेयरदार हमारी एकदम ऐसे वर्की पूरी, ये देखिए वर्की पूरी हम स्किल बनाएंगे। तो आपको इस तरीके से रोल कर, ये देखिए लेयरदार आपको दिख रहा है ना। ये पहले कटिंग के बाद हाथों की सहायता से इस तरीके से थोड़ा सा गोल गोल कर दीजिएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए आपको गोल गोल करते जाना है। ये देखिए हाथों की सहायता से इस तरीके से पहले आप कटिंग के बाद गोल कर लीजिएगा। अब देखिए इसे क्या करना है, हाथों की सहायता से, फिंगर की सहायता से इस तरीके से प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं ये एकदम लेयरदार दिख रही है आपको। एंड हल्का सा बेलन पकड़ना है और हमें इसे बेलना है। बहुत बड़ा पूड़ी की साइज़ नहीं बेलना है, हमें पतला ही रखना है। लेकिन आप साइज़ देख लीजिए, इस तरीके से हमें इसे बेलना है।
ये देखिए बढ़िया तरीके से ये बेला जाता है। बस सारी चीज़ों सारी वर की पूरी आपको इस तरीके से बेलनी है। ये देखिए इतनी पतली हमें वर की पूरी बनानी है। तो इस तरीके से हमें वर की पूरी बना बना के रख लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसे बना बना के रख लेंगे। एंड अब इसे हम डीप फ्राई करें। अब तेल हमें 5 मिनट पहले रख देना है, एकदम स्लो, एकदम हमारा ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए तेल। और इस तरीके से हम वर की पूरी को डाल देंगे इसमें। ये देखिए तो जितना बड़ा आपका बर्तन है उस हिसाब से आप वर की पूरी डाल दीजिएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, जितना आ जाए आपके उतना हमें वर की पूरी डालते जाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत सारी बना के आप रख लीजिएगा और एक साथ आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने वर की पूरी को डाल दिया है। ये देखिए एंड आपका जो गैस है वो एकदम स्लो पे ही रखिएगा, क्योंकि हमें इसे धीरे धीरे ही करारी करनी है। यदि आप एक साथ जल्दी से इसे करारा कर देंगे तो ऊपर से तो आपको ये गोल्डन दिखेगा, कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा और उतना खस्तापन इसमें नहीं आएगा। जितना स्लो में आप इसे करेंगे उतना करारापन एंड क्रंचीपन इसमें आएगा। तो धीरे धीरे करके ही आपको इसे करना है। तो देखिए इतनी सारी एक बार में हमने इसमें वर की पूरी डाल दिया है। अभी हम स्लो पे ही रखेंगे, जब वन साइड से ये थोड़ा सा सिक जाएगा ना तब हम इसे पलटी करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए वन साइड से ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगा है, तो हम इसे इस तरीके से पलट देंगे। ये देखिए एकदम सिम पे ही आप करते जाइएगा, हल्का सा बीच में आप मीडियम कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको धीरे धीरे ही सेकिएगा जब तक कि इसका थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखिए तो बढ़िया सा इसका कलर आना शुरू हो चुका है। ये देखिए तो कलर आ चुका है इसका। तो इसी टाइम पे हम इसे निकाल देंगे, क्योंकि आप ज़्यादा इसे डार्क करेंगे तो ठंडा होने पे और डार्क हो जाएगा। तो ये लीजिए हमारी वर की पूरी एकदम तैयार है, लेयरदार। ये देखिए आपको दिखाते हैं इस तरीके से एकदम ये लेयरदार बनी हुई है, क्योंकि दिखाते हैं कि कितना ये क्रंची और क्रिस्पी बना हुआ है। ये देखिए हाथों में जाते ही सही थी ये। तो वर की पूरी आप लोग के लिए तैयार है फ्रेंड्स दिवाली के लिए। सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली रेसिपी में। बाय बाय।